आयोग द्वारा भारत में 1 सितंबर को EVP प्रोग्राम लॉन्च करने का दिन चुना गया, जिसके तहत पूरे भारत के साथ देश की राजधानी में भी 1 सितंबर को EVP प्रोग्राम की शुरुआत की गई। ये नज़ारा उत्तर पूर्वी जिला के प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल का है, जहाँ पर जिला अधिकारी शशि कौशल के नेतृत्व में EVP प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है। इसकी शुरुआत के लिए DM शशि कौशल, SDM चुनाव किशनवीर सिंह तथा जिले की DLO के साथ सिविल डिफेंस के वॉलंटियर मौजूद रहे। इस तस्वीर में आप EVP प्रोग्राम लॉन्चिंग होते देख सकते हैं। रविवार को अवकाश होने के बावजूद भी सरकार के आदेशानुसार इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अब मतदाता अपने मतदाता पहचान पत्र संबंधित किसी भी कार्य के लिए वे चुनाव कार्यालय के चक्कर नहीं काटेंगे, बल्कि घर बैठे ही अपनी सारी परेशानियां इस ऐप के माध्यम से दूर कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए DM व SDM से आप खुद सुनिए। हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने 1 सितंबर का दिन एक मतलब निश्चित किया था कि 1 सितंबर को हम लोग ये लॉन्च करेंगे EVP प्रोग्राम एट ऑल इंडिया लेवल। तो इसमें आज संडे हो या मंडे हो या कुछ भी हो, हमने 1 सितंबर देखते हुए ये प्रोग्राम शुरू किया है। इसको हम 11 बजे के टाइम पे हमारा लॉन्च था, तो 11 बजे हम लॉन्च कर रहे हैं और कर चुके हैं बल्कि। तो हमने हमारा वेरिफिकेशन का प्रोग्राम जो है वो ऑल इंडिया लेवल का है, और इसको हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि मैं तो DO हूँ, मेरे SDM इलेक्शन है यहाँ पर, और मेरे EROs हैं हमारे पास AC में 65, 66, AC जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है 68, 69 और 70, ये मेरे पास 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो मेरे EROs अपने ऑफिस में हैं और मेरे AEROs जो हैं वो सब ERC वगैरह में हैं। तो हमारे पोलिंग बूथ से लेते हुए अपने सारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जा रहा है। आज से हम वेरिफिकेशन का जो प्रोग्राम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शुरू कर रहे हैं। इसके जो EVP प्रोग्राम है जो हमारा जो आज 1 सितंबर 2019 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें एक सबसे अलग सी जो बात जो मैंने भी देखी है वो ये है कि फैमिली मेम्बर अपने जो भी फैमिली में 16 साल से 18 साल का कोई भी बच्चा है उसकी डिटेल उसको EVP में भर देगा, और जैसे ही वो 18 साल का होएगा उसको नोटिफिकेशन आएगा और उसका कार्ड बन जाएगा। ये अलग ही प्रोग्राम है एक बिल्कुल, जो मैं ECI ने अलग से डाला कि हम यूथ वोटर को देखते हैं, तो यूथ वोटर का नया वोटर होता है, हर एक को ये लगता है भाई सबसे पहले मैं वोट डालूं, तो उसका यूथ वोटर के लिए, कोई भी यूथ वोटर हमारा ना बचे, तो उसके लिए भी ये एक एडिशनल प्रोग्राम इसमें ऐड किया गया है। इस ऐप को आप अपने फोन में डाउनलोड करके मतदाता पहचान पत्र की हर समस्या का समाधान घर बैठे कर सकते हैं। इस ऐप की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके जरिए 16 से 18 वर्ष के बीच की आयु के सभी युवा अपना नाम मतदाता पहचान पत्र के लिए दर्ज कर सकते हैं। जब उनकी उम्र 18 वर्ष की होगी तब चुनाव कार्यालय से उनके फोन पर खुद मैसेज आएगा। इस कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षित बूथ लेवल ऑफिसरों ने क्या बताया, सुनिए। दिल्ली सिविल डिफेंस सर, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है और आम पब्लिक के लिए भी बहुत अच्छा ऐप डाउनलोड किया गया है। उनके हेल्प के लिए उनका टाइम बचेगा, उनको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, और जिनको नॉलेज नहीं है उनको नई टेक्नोलॉजी की जरिए एक नई नॉलेज मिल रही है, और टाइम भी बच रहा है, और उनके बहुत हेल्प हो रही है। घर बैठे बैठे उनका एक वोटर ID, एक वोटर कार्ड उनका घर बैठे बैठे बन जाएगा, और वो अच्छे से एक वोट डाल सकते हैं, एक मतदाता बन सकते हैं। लोग जाते थे एरिया वाइज, हमें प्रॉब्लम होती थी एरिया में, अगर कुछ भी हमें किसी से मिलना करना था कोई मिलता भी नहीं था। अब इसके जरिए हमें काफ़ी से बेनिफिट हो जाएगा। 8 नंबर का फॉर्म भरना है या 6 वाला 7 वाला, तो ये हमें इसमें अच्छी तरीके से हो सकता है काम। इसमें एक्चुअली हमें काफ़ी सारी मतलब जो प्रॉब्लम है हमारी सॉल्व हो गई है। इसमें जैसे हमें ऑफलाइन फिल करना पड़ता था, अब इसमें ऑफलाइन की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें बाकायदा जो हमें ऐप दिया गया है ऐप के अकॉर्डिंग हम अपलोड कर सकते हैं। हमें फोटोकॉपी, कई बार ये दिक्कत होती थी फोटोकॉपी नहीं है, बार बार जाना पड़ता था, इस वजह अब ये इसकी ज़रूरत नहीं है, ओरिजिनल लेके उसकी फ़ोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं। इस ऐप की शुरुआत से जहाँ BLO को कम मेहनत करनी पड़ेगी, वहीं दूसरी तरफ मतदाताओं की परेशानी भी घर बैठे दूर होंगी। दिनेश सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।